हम तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी किसी को देने के लिए नहीं भेजते। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर से ही मिलता है और लाइन लगाकर मिलता है। आप कभी जाना कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आना और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना रात भर। सुबह देव अधिदेव महादेव को कुंड कैश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो दो बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है, रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उसके शिव तत्व को लोगों ने दबाया। शंकर को नीचे और खोदो और खोदो और खोदो, एक कुएं को मोर ने हिम्मत दे देकर खुदवा दिया और पानी लेकर सदानंद कार्ती के पिताजी के पास पहुंचे। गणेश जी 10-12-15 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। इतने में शंकर भगवान आए गणेश जी के पास, गणेश तू पानी नहीं लाया? गणेश जी बोले ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 इतने कुएं खोदे पानी नहीं निकला, तो सना तुमने पानी पी लिया पिताजी? इतने में भगवान भोलेनाथ बोले कार्तिकेय जी जल लेकर आए थे। गणेश जी ने षडानंद कार्तिकेय को गले लगा कर कहा भैया एक बात बता कि तू पानी कहाँ से ले आया? इतने में षडानंद कार्तिकेय ने कहा मैं हिम्मत हार गया था पर मेरा मोर बोला और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो। एक ही कुएं को बहुत गहरा खोदा, आखिरी में उसमें पानी निकल ही गया। मंजिल तक जाना है तो मोर से हिम्मत लेना पड़ती है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया। ये चमक कहां से आई है पिवरी के चेहरे पर? मैनावती ने कहा कि ये पितरों की लाडली बेटी है। भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में ये रमी रहती है। अखंड तप पीवरी ने करा, अच्छा पति मिल जाए, सम्मान देने वाला पति मिल जाए, आपका इज्जत करने वाला पति मिल जाए तो समझ लेना कि आपके पूर्व में आपने कोई अच्छा पुण्य और व्रत करा होगा तो अच्छा प्राप्त होगा। ये पीवरी ने जो तप करा था, पीवरी ने जो बाल्यावस्था से जो तप साधा, क्या घर में और लोग नहीं थे जो फोटो ला सकते थे? क्या और लोग नहीं थे जो कथा में आ सकते थे? पर आप फोटो लेकर आए या आपने बैठकर कथा सुनी तो ये समझना कि आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा और इन पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए आप इनको लेकर यहां पहुंचे। पूर्व का पुण्य, ये आज का पुण्य नहीं होता है महाराज, ये पूर्व का पुण्य जो हमें मिला। बच्चा गुल्लक भरता है, पैसे इकट्ठे करता है, फोड़ता है, गिफ्ट लाता है। हमारे पुण्य की जब गुल्लक इकट्ठे, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कोसा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कोसा भी अगर हमने रखी है, एक डाक भी हमने रखी है, महादेव जी की जो जलाधारी महादेव जी बने दिख रहा है सबको, सबको ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का, राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी,
शिवलिंग के ऊपर जो जल